सो गाइज कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम 10,000 के प्राइस रेंज में टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हमने ऐसे फोन्स को भी रखा है जो क्वाड कैमरा के साथ आते हैं और इस बजट में इतनी तगड़ी कैमरा क्वालिटी बहुत कम फोन्स में देखने मिलती है। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा स्टोरेज के साथ यानी कि आपको कोई ऐसा फोन चाहिए जिसमें 8GB रैम 128GB तक स्टोरेज मिल जाए तो ऐसे फोन भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और एक 5G फोन को भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो अगर आपको इस बजट में कोई 5G फोन चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। और ये लावा ब्लेस 5G नहीं है, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है पोको C55 स्मार्टफोन। गाइस पोको रेडमी की ही सब ब्रांड है तो इसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.7 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें कलर कॉन्ट्रास्ट और डिटेलिंग काफी अच्छी मिलने वाली है। वहीं इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में डुअल कैमरे का सेटअप दिया गया है जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 MP और दूसरा कैमरा 2 MP का डेप्थ सेंसर मिल जाता है जिसमें आप इसके मेन कैमरे से 30 FPS पर फुल HD तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और सिक्योरिटी पर्पस से इसमें बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek के काफी पावरफुल चिपसेट MediaTek Helio G85 के साथ आता है और इसकी परफॉर्मेंस के लिए इसमें आपको 253,000 का एंटीटू स्कोर मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर, बिल्ड क्वालिटी और बेसिक चीजों को देखें तो ये प्लास्टिक बैग के साथ आता है और ये फोन 192 ग्राम्स का मिलता है। तो यदि इसमें आप इसका टॉप वेरिएंट 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ लेते हैं तो ये आपको 9,999 का मिल जाता है। गाइज फोन को आपको फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन मार्केट से ही लेना है क्योंकि अमेजोन पर ये आपको थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। तो अगला फोन है नंबर 4 पर मोटो G32 जिसमें आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जो 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। गाइज इस मोटो G32 के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 50 MP 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का मैक्रो लेंस मिल जाता है जिसमें आप इसके मेन कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। इसके साथ साथ इसमें 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है जो इस बजट में आपको और किसी फोन में नहीं मिलेगा। गाइस सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आता है जो कि काफी अच्छा चिपसेट है और एंटीटू स्कोर इसमें 245,000 के अराउंड मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो ये फोन पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है। साथ ही 180 ग्राम्स का देखने को मिलता है जो कि काफी लाइट वेट है। तो यदि इसमें आप 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 10,249 का देखने को मिल जाता है। तो नंबर 3 पर है इन्फिनिक्स हॉट 30i स्मार्टफोन। गाइज अभी इन्फिनिक्स काफी सारी ब्रांड्स को बीट करते हुए काफी तगड़े स्मार्टफोन लेके आ रहा है और ये फोन भी इनमें से एक है। सो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो इसमें थोड़ा डिसेंट कैमरा मिलता है जिसमें बैक साइड में 50 MP और फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया गया है। बैटरी की बात करें तो ये फोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें साइड माउंटेड मिल जाता है। प्रोसेसर को देखें तो ये फोन MediaTek Helio G37 प्रोसेसर के साथ आता है और एंटीटू स्कोर इसमें 2 लाख के अराउंड मिल जाता है। इसके अलावा अदर फीचर्स की बात करें तो ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है और इस फोन में 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही ये 191 ग्राम्स का देखने को मिलता है। तो यदि इसमें आप 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट लेते हैं तो ये आपको 9,499 का मिल जाता है। सो नंबर 2 पर है मोटोरोला की तरफ से ही मोटो G22 स्मार्टफोन जिसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जो 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसके कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है जिसमें मेन कैमरा 50 MP 8 MP का अल्ट्रा वाइड और 2+2 MP के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर मिल जाते हैं जिसमें आप इसके मेन कैमरे से फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके फ्रंट में 16 MP का कैमरा मिलता है और इससे भी आप फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये फोन 20W के फास्ट चार्जर और 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। प्रोसेसर को देखें तो इसमें MediaTek का Helio G37 प्रोसेसर देखने मिल जाता है। तो इसके अदर फीचर्स की भी बात कर लेते हैं तो ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है। साथ ही 185 ग्राम्स का देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें रिफ्रेश रेट 90Hz का मिलता है। तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यदि इसमें आप 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 9,499 का मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नंबर 1 के स्मार्टफोन के बारे में और उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो नंबर 1
F1 पर है, पोको M4 5G स्मार्टफोन। गाइस इस फोन की प्राइसिंग में काफी फ्लक्चुएशन मिल रही है, तो अगर आपको ये फोन 11,000 से ऊपर में मिलता है तो थोड़ा वेट करके इसे आपको कम में ही लेना है। लेकिन अगर आप इसमें क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो ये फोन 10,000 के अराउंड में मिल जाएगा। तो इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.58 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ आती है। गाइस इस पोको M4 5G के कैमरे की बात करें तो इसमें रियर में प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है, और इसके फ्रंट में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। वहीं इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। इसके साथ साथ इसमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर दिया गया है, और सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। चिपसेट की बात करें तो ये फोन MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, और इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स भी आराम से खेल सकते हैं। और एंटूटू स्कोर इसमें 3,21,000 के अराउंड मिल जाता है। यदि इस फोन के फॉर्म फैक्टर और बेसिक चीजों की बात करें तो इसके डिस्प्ले में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, और ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है। साथ ही ये फोन 200 ग्राम्स का मिलता है। सो यदि इसमें आप 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरियंट लेते हैं तो ये आपको 10,499 का मिल जाता है।